শুভাষ্টমী গাইস, আজ এই মহাষ্টমীতে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের এখানে আজ পুজো হচ্ছে সোসাইটিতে, তো আমরা অঞ্জলি দেওয়ার জন্য রেডি আছি। আমরা ফুল আমাদের নিজেদের নিয়ে যেতে হবে বলে দিয়েছে, মাস্কটাও ক্যারি করতে হবে, স্যানিটাইজারও ক্যারি করতে হবে, তো আমরা সব কিছু নিয়ে রেডি আছি। তো চলুন আমাদের সাথে একটু অঞ্জলি দিয়ে আসি। So guys, अभी हम जा रहे हैं पंडाल विजिट के लिए। अभी यहाँ तो न्यू टाउन में काफी बारिश हो रहा है, पता नहीं आगे का कैसा रहेगा। हम जा रहे हैं श्री भूमि की तरफ। हम श्री भूमि पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने लाइटिंग की है और बड़ा बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है ताकि आप देख सको कि आगे लोग कितने हैं और भगवान का दर्शन भी कर सको। और देख सकते हो आप पूरे मतलब पैसेज में इन्होंने लाइटिंग किया हुआ है। हमने सोचा था यहाँ पे भीड़ कम होगा, लेकिन नहीं, दुर्गा पूजा है और कलकत्ता में भीड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे इन्होंने इस दुर्गा पूजा का थीम रखा हुआ है केदारनाथ टेम्पल के ऊपर, और भगवान भी इतने सुंदर से इन्होंने बनाया है, आप देख ही सकते हो, लाइक बहुत ही सुंदर है। लेकिन क्या करें, अंदर से हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर से हमने दर्शन किया। और ये यहाँ पे बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे, मतलब आपको चलते जाना है और देखते जाना है। और सामने ही एक छोटा सा और एक पंडाल है और वहाँ पे भी दुर्गा पूजा हो रहा है, वहाँ का भी भगवान काफ़ी सुंदर है। तो अब हम आए हैं दमदम पार्क और ये भी एक थीम बेस्ड पंडाल है। इनका थीम प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है, जहाँ सारे लोग अपने घर पे बंद है। आप देख सकते हो कि पंडाल के दोनों साइड में बिल्डिंग बना हुआ है और सारे डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज्ड है, और ये बताता है कि आपको इसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है। Thank you.
सो गाइस, आई विश यू ऑल शुभ विजया। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।